तो दोस्तों कितना मजा आएगा ना अगर आपको पता चल जाएगी कितने टाइम में आपके सब्सक्राइबर्स एक्टिव रहते हैं और उसी वक्त आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते हो, तो आपके चैनल पे तो व्यूज आने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। आपके वीडियोस को तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब पर एक ऑप्शन है, मतलब YT स्टूडियो में एक ऑप्शन है भाई, ठीक है, जहाँ से सारा कुछ पता चल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, वो बस वहाँ पे देख के चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि भाई अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, कैसे समझूँ, कैसे जानूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कब एक्टिव हैं। तो यही चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से उस पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर। उसको समझने के बाद मतलब कि यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स कब एक्टिव रहते हैं, मुझे वीडियो कब डालना चाहिए, ठीक है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को मिस मत करना। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले YT स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस का जो ऑप्शन होता है ना भाई, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मैं बिना माइक का ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपने आवाज़ को। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आज कौन सा दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे आज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सारा कुछ ऊपर में लिखा हुआ भी है, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स वगैरह बना हुआ है ना भाई, तो सबसे गाढ़ा मतलब देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कलर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो अभी कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब 6 समझ लीजिए, तो यहाँ पे 7-8, मतलब 7-8 के बीच में ना मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, यही 7-8-9 इस तरीके से। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा ना भाई, तो उसी वक्त आपको वीडियो डालना है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो टाइमिंग कौन सा, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, उसी के हिसाब से नीचे का आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 7-8-9, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का टाइमिंग है भाई, यहाँ पे आप हर दिन का चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।